अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है नाइन्थ बायोलॉजी का न्यूट्रिशन का टॉपिक है आज स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था वो हमने स्टडी किया था स्टमक और उसके साथ था फेरेंक्स एंड एसोफेगस। आज हमने देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से होती है, मतलब जो आपने फूड ली है उसको अब आपने स्टमक में डाइजेशन करवाई, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन करवा के आपने देन उस फूड को भेजा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जब उसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस आ जाते हैं, अमाइल एंजाइम्स होते हैं, HCL आ जाता है, पेप्सिनोजेन एंजाइम एक्ट करता है, पेप्सिन एंजाइम एक्ट करता है, तो उसके बाद जो फूड की कंडीशन होती है उसको आप कहते हैं चाइन। ये हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। अब हमने देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या चीज़ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड की जो डाइजेशन है या एब्जॉर्प्शन है ये किस तरह से होती है। इसमें हमने देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल ट्यूब होती है, कॉइल ट्यूब पोर्शन होता है ये हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगर हम इसकी लेंथ को मेजर करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 7 meters तक इसकी लेंथ होती है, 7 meters तक इसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। अगर इसके पार्ट्स को हम स्टडी करें तो हम देखते हैं कि इसके 3 major parts होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। फर्स्ट पार्ट हम कहते हैं ड्यूडेनम, नेक्स्ट हम जो सेकंड पोर्शन है उसको आप कहते हैं ड्यूडेनम, और जो थर्ड पोर्शन है उसको आप कहते हैं इलियम। ये 3 portions हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जुजिनम और इलियम। जो ड्यूडेनम है इसको अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और अगर इसकी लेंथ देखें तो लेंथ में ये तकरीबन इसमें आ जाता है 25 centimeters लॉन्ग पोर्शन है। अगर जुजिनम को देखें तो जुजिनम में हम कहते हैं कि ये मिडल पोर्शन है और इसकी लेंथ, मिडल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसकी लेंथ होती है 2.5 meters तक। और अगर इलियम को देखें तो इलियम लास्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का और 4 meters तक इसकी लेंथ होती है, और टोटल जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो 7 meters तक होती है। अब इसमें देखें कि जो आपने फूड ली है, जो कायम है, वो अब आपने भेजना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कायम फॉर्मेशन किधर हुई, स्टोमिक के अंदर। नेक्स्ट उस कायम को आपने भेजना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होंगे आपके पास, एसेसरी ऑर्गन्स होंगे जो क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को असिस्ट करेंगे। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं कि यहाँ पे देखें, एक आ जाएगा आपके पास लीवर, और दूसरी चीज़ आ जाएगी आपके पास पेंक्रियाज। ये लीवर और पेंक्रियाज क्या करेंगे, ये अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ करेंगे किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। अब जो लीवर सिक्रीशन रिलीज़ करेगा इसको आप नाम दे देंगे, ये क्या चीज़ है, बाइल। और जो पेंक्रियाज सिक्रीशन या जूस रिलीज़ करेगा उसको आप कहेंगे ये कौन सी चीज़ है, पेंक्रियाटिक जूस। ये दोनों चीज़ें कहाँ पे रिलीज़ होंगी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन है ड्यूडेनम वाला, उसके अंदर ये दोनों सिक्रीशन जो हैं वो रिलीज़ होंगी। अब अगर आप बाइल को देखें तो बाइल क्या चीज़ है, बाइल सिक्रीशन है लीवर की, ठीक है, सिक्रीशन है ये लीवर की, बाइल इज़ अ सिक्रीशन ऑफ लीवर। इसमें क्या होता है कि इंटर किधर होता है, ये हमने पहले ही कहा कि बाइल रिलीज़ होगा ड्यूडेनम के अंदर। किस वजह से, किस मदद से ये रिलीज़ होगा, कि यहाँ पे एक बाइल डक्ट होगी जिसकी वजह से बाइल कहाँ से आएगा, लीवर से ड्यूडेनम के अंदर आप इसको इंटर करवा सकेंगे। इसका काम क्या है कि इसने ब्रेक करना है फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर, कि बाइल का क्या काम है कि इसने फैट्स का ब्रेक डाउन करवाना है, फैट्स ब्रेक डाउन, बाइल का ये काम हो गया। नेक्स्ट है आपके पास पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस भी जिस तरह से आप कहते हैं कि ये कहाँ से रिलीज़ होगा, ये पेंक्रिया से रिलीज़ होगा, किस मदद से रिलीज़ होगा, यहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट होगी उसकी वजह से ये इंटर होगा कहाँ पे, ड्यूडेनम के अंदर। अब अगर आप पेंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन देखते हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं पेंक्रियाटिक जूस के अंदर। इसकी कंपोजिशन देखें तो एक चीज़ आ जाती है इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरी चीज़ आ जाती है इसके अंदर एंजाइम्स।
पैंक्रियाटिक जूस के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, दूसरा आपके पास कौन सी चीज़ है, एंजाइम। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम है और एंजाइम्स का क्या काम है कि जब आपके पास, आपने कहा कि आपके पास काइम इंटर कर रहा है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो आपको पता है स्मॉल स्टमक के अंदर HCl रिलीज़ हुआ। अब जब HCl रिलीज़ हुआ तो जाहिर सी बात है जो काइम आपके पास आया, जो फूड मटेरियल है आपके पास, वो किस फॉर्म में हो गया, वो एसिडिक फॉर्म में हो गया। अब ये बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, ये उस काइम की एसिडिटी को कम करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा उस काइम को, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम है कि जो काइम आप स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज रहे हैं वो HCl की वजह से एसिडिक इन नेचर हो गया। अब वो उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट रोल प्ले करता है। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स भी हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं यहाँ पे देखें। एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, एक होता है अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, तीसरी चीज़ आ जाती है आपके पास लाइपेज। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये वर्क करता है प्रोटीन के ऊपर, मतलब प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाता है कौन, ट्रिप्सिन एंजाइम। हमारे पास जो अमाइलेज एंजाइम है ये ब्रेक डाउन करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो हमारे पास लाइपेज है ये ब्रेक डाउन करवाएगा किस चीज़ की, लिपिड्स की। इस तरह से ये एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो कि ब्रेक डाउन करवाते हैं प्रोटीन्स की, लिपिड्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की। अब कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, जिनका काम क्या है कि उन्होंने ये जो प्रोटीन्स, आपने देखी प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर दें पेप्टाइड्स में, तो नेक्स्ट पेप्टाइड्स को की ब्रेक डाउन करवाते हैं अमाइनो एसिड्स वगैरह में, या कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स में, या लिपिड्स को ग्लिसरोल्स या फैटी एसिड में। तो ये कौन करवा रहा होता है, ये कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो अगली चीज़ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास जितनी ब्रेक डाउन होनी थी फूड की, वो सारी की सारी ब्रेक डाउन हो जाती है। नेक्स्ट एक काम है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये आपने डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी, अब आपने जो इस प्रोसेस का जो नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन का, वो आपने यहाँ पे करवाना है एब्जॉर्प्शन, और उसके साथ यूटिलाइजेशन या एजिमिलेशन, कि जो आपके पास फूड एब्जॉर्ब हुई है, अब जो आपके पास फूड डाइजेस्टेड फॉर्म में है, अब आपने उसमें से यूज़फुल कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करना है, उसके बाद उन यूज़फुल कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लड या ब्लड स्ट्रीम। अब क्या होता है कि नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होती है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या प्रोटीन होते हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं उनकी अमाइनो एसिड्स में, लिपिड्स शुगर्स में या ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स में। तो वो सारे के सारे किधर एब्जॉर्ब होंगे, जितना भी ये सारा कॉन्टैक्ट आपने ब्रेक डाउन करवाई है, वो सारे का सारा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो हमारा ब्लड का सिस्टम है, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके अंदर ये चीज़ें एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगी। एब्जॉर्ब कैसे होंगी कि हमारे जो इनर वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनके अंदर छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं जिनकी वजह से एब्जॉर्प्शन हमारे पास होती ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका इनर पोर्शन जो है वो मेजर एरिया प्रोवाइड करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो मेजर एरिया कैसे प्रोवाइड करता है कि अगर आप देखते हैं कि आपके पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इस तरह से, अगर आप इसमें से यहाँ से ये वाला एक पोर्शन ले लें तो इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा करें, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ये इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन का ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है। इसमें क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है, वो बहुत ज़्यादा फोल्ड हुई होती है इस फॉर्म में। ये जो इनर लाइनिंग फोल्डिंग फॉर्म में है, इसको आप कहते हैं विलाय। इस विलाय की वजह से ही स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मेजर एरिया प्रोवाइड करती है एब्जॉर्प्शन के लिए। और एब्जॉर्प्शन किस चीज़ की होगी, एब्जॉर्प्शन होगी अमाइनो एसिड्स की, ग्लिसरॉल्स की, या फिर
फैटी एसिड्स की, जितना भी आपने कंटेंट ब्रेक डाउन करवाया उस सारे की सारे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना शुरू होगी। जो ही एब्जॉर्प्शन होगी, अब ये एब्जॉर्प्शन कहाँ भी हुई है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हुई है। और इसके बाद आपने इसकी क्या करवानी है, ट्रांसपोर्ट करवानी है। और ट्रांसपोर्ट किस वजह से होगी कि आपके पास मैकानिज़म लगेगा डिफ्यूजन का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि विलाई के साथ ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, कि यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, ये इस तरह से विलाई का पोर्शन है, इसके इर्द गिर्द ये वाला जो पोर्शन है इसकी सराउंडिंग में, इसको कवर किया होता है ब्लड कैपिलरीज ने। विलाई की सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब जितना ए फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा वो सारे के सारा ब्लड के अंदर कैसे जाएगा, कि अगर विलाई के अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है तो यहाँ से डिफ्यूजन की वजह से, जैसे आपने पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ से ब्लड कैपिलरीज के अंदर अगर प्रोटीन का कंटेंट कम है तो यहाँ से विलाई से ब्लड कैपिलरीज के अंदर आप फूड की प्रोटीन्स की मूवमेंट या लिपिड्स की या कार्बोहाइड्रेट्स की मूवमेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि विलाई के अंदर जब ब्लड कैपिलरीज होती हैं तो उनके साथ लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। हमारे पास दो मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, दूसरा हमारे पास लिम्फैटिक सिस्टम है। तो जहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वहाँ पे लिम्फैटिक सिस्टम भी होगा। अब यहाँ पे अगर ब्लड कैपिलरीज हैं तो उसके साथ लिम्फैटिक वेसल्स भी होंगी, जिनको आप क्या कहते हैं, लैक्टियल्स कहते हैं। लैक्टियल्स के अंदर आप इंटर कराते हैं ग्लिसरॉल या फैटी एसिड को, देन यही जो लैक्टियल्स हैं इनकी वजह से आप ब्लड स्ट्रीम के अंदर इस फैटी एसिड या ग्लिसरॉल की मूवमेंट करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने पोर्शन पढ़ा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कि जो फूड आपने डाइजेशन जिस फूड की करवाई है उसकी एब्जॉर्प्शन आप किस तरह से करवा सकते हैं, और देन उस फूड को आप बॉडी के सेल्स तक कैसे भेज सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, अल्लाह हाफिज़।